ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने विजुअल फोर्स पेज स्टार्ट किया है और एक पेज भी हमने फॉर्म किया था। सो मैंने आपको टैब बनाना भी सिखाया है कि मतलब हर बार आप यूआरएल पे कब जाओगे और फिर पेज टाइप करोगे, तो बेटर क्या होता है कि आप जो भी पेजेस बनाते हो इसके लिए आप एक टैब बना सकते हो इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो आप चाहें तो फिर एक होम पे अपने जो टैब बार है उसी पर एक पेज बना दीजिए, टैब बना लीजिए फॉर द विजुअल फोर्स पेज दैट यू हैव क्रिएटेड। तो दिस इज व्हाट द विजुअल फोर्स पेज दैट वी क्रिएटेड इन द लास्ट लेक्चर। एंड इफ यू सी अबाउट द कोडिंग, यू नो इफ यू सी अबाउट द कोडिंग, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है डेवलपमेंट मोड अगर आप ऑन करते हो, तो एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आपका जो विंडो रहता है ना वो दो हिस्सों में पार्टिशनाइज हो जाता है। सो अब आई मीन एट द टॉप ऑफ द पेज व्हाट यू आर सेइंग कि जो आप कोड लिख रहे हो उसका आउटपुट यहीं पर आपको नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक एक पेज भी हमने फॉर्म किया एंड देन वी हैव अंडरस्टैंड कि कौन कौन से अलग अलग टैब्स होते हैं, उनकी हायरार्कीज क्या होती है। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें हमने देखी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज योर विजुअल फोर्स कंट्रोलर्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स आर देयर ऑन टू विजुअल फोर्स पेज। विजुअल फोर्स पेज में देयर आर यू नो इन द विजुअल फोर्स पेज और फिर इन द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग वट एवर देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कंट्रोलर, द सेकेंड वन इज कस्टम कंट्रोलर एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंशन कंट्रोलर्स। ठीक है, एक्सटेंशन कंट्रोलर्स। पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो कि ये स्टैंडर्ड और कस्टम और एक्सटेंशन एक्चुअली कहाँ यूज होता है। बाकी धीरे धीरे जब हम ग्रेजुअली आगे एग्जाम्पल्स में बढ़ते जाएंगे, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कंट्रोलर से, फिर ग्रेजुअली वी विल बी यू नो मूविंग टुवर्ड्स वन ऑफ द यूज केस जिसमें हम कस्टम कंट्रोलर देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द यूज केस जहाँ हम एक्सटेंशन कंट्रोलर्स को भी यूज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, वेन एवर ऑन टू योर विजुअल फोर्स पेज, इफ यू वॉन्टेड टू हैव, इफ यू वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट, इफ यू वॉन्टेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज। अब स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज मतलब क्या होता है? तो अगर हम ORM को डिस्कस करें, आपको याद होगा जब हमने काफी पहले जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, तो वी हैव डिस्कस वन ऑफ द फीचर कॉल्ड एज ORM। ORM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एंड मैपिंग। एंड वॉट वी हैव स्टडीड विद दिस टॉपिक वॉज लाइक कि एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट्स अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी और वेदर इट्स अ कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक पोजिशन हायरिंग मैनेजर कस्टमर्स वट एवर, एवरी ऑब्जेक्ट इन साइड द सेल्स फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लास। एवरी ऑब्जेक्ट इन अ सेल्स फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ क्लास एंड वॉट एवर द फील्ड्स of that particular object, how many fields of that particular object, they represent the member of those class. So this is what we have, you know, we have understood this functionality in one of the feature called as ORM. So ORM jab humne discuss kiya tha, that time we came to know about ki every object inside the Salesforce is considered to be one of the class. Like account is an object, at the same time account represents one class also. Contact is an object, that means contact is also a class. Position is an object, position is also a class. That is what we have seen. And then what we also have studied ki every field inside the object will represent the members of the classes, the variables of the classes. This is what we already have studied, you know, this is what we already have studied. Now if you come up to the page of account, for example, I go to the account page or I go to the contact or I go to the opportunity, there we could find that there are certain, you know, there are certain ready-made functionalities. Let's, you know, if I create a new, if I press the new button here, I have some called as save, save new and cancel. Okay, whenever I hit this button save, the whatever the data of this form, whatever I fill over here, whatever, you know, the different fields, whatever the input I have provided, and as soon as I save it, this whole data is going to be saved, right? If I press the cancel, obviously this is not going to be saved. Save and new will save this data and once again, you know, it will bring this form once again in front of you. So that after entering one record, after saving one record, you could again fill a new, you could again create a new account record with the same user interface. Now there are certain functionalities. These are the functionalities on edit layout. If I go to any of the detail page, onto the detail page, I could see some of the buttons like edit, delete, sharing, you know, these are. So basically, kaisa hai? ये जो सारे बटन आप देख रहे हो, दिस ऑल बटन वट एवर यू आर सीइंग ओवर हियर, और थोड़ा सा और बातें करते हैं कि इफ आई गो विद ऑल अकाउंट्स हियर, यू नो ऑन टू दिस टेबल आई कुड सी लाइक देयर आर ऑल टुगेदर 35 रिकॉर्ड्स, बट आई कैन सी ओनली 10, आई कैन सी ओनली 10. ठीक है, कोई बात नहीं. इफ आई वॉन्टेड टू सी सम मोर फ्रॉम 11 टू सम मोर, तो आई हैव वन ऑफ द, यू नो, आई हैव वन ऑफ द हाइपर लिंक ओवर हियर. नेक्स्ट, इफ आई प्रेस दिस नेक्स्ट बटन, आई कुड ब्रांच टू द नेक्स्ट पेज. देन आई हैव, यू नो, समथिंग कॉल्ड एज लास्ट लास्ट पेज.
इफ आई गो टू द लास्ट पेज सो आई कैन सी राइट एट द लास्ट मोस्ट रिकॉर्ड, ऐसा मतलब इन द हायरार्की हाउ दे आर सॉर्टेड फ्रॉम ए टू जेड समथिंग लाइक दिस. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिनका कोड पहले से लिखा हुआ है, एंड देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, यू कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस. अभी कुछ कोड जैसे कि न्यू या फिर आपका न्यू का बटन का कोडिंग, या फिर सेव सेव न्यू और कैंसिल का कोडिंग, या फिर द कोडिंग ऑफ दीज बटन्स एडिट डिलीट है ना, शेयरिंग, या फिर पेजिनेशन पे जो हम यूज करते हैं नेक्स्ट लास्ट, दीज आर सम ऑफ द काइंड्स ऑफ कोड दैट आर अवेलेबल. अच्छा ये सिर्फ अकाउंट की ही बात है, इफ यू इवन ओपन द केस ऑब्जेक्ट देयर ऑल्सो यू हैव द सेम बटन सेव सेव न्यू है ना. इफ यू गो टू एनी ऑफ द केस रिकॉर्ड डिटेल रिकॉर्ड पेज फॉर एग्जाम्पल आई गो टू दिस अगेन यू नो अगेन आई गो टू द डिटेल पेज आई कैन सी एडिट डिलीट. तो दीज बटन आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एंड दे आर एक्टिंग इन द सेम वे इट इज एक्टिंग इट वॉज एक्टिंग इन द अकाउंट यू नो इट वॉज परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ओवर हियर ऑल्सो इफ आई गो टू एनी ऑफ द कस्टम ऑब्जेक्ट ऑल्सो एंड देन आई फॉर एग्जाम्पल आई गो टू द पोजिशन ऑब्जेक्ट एंड देन आई ओपन दिस सो हियर ऑल्सो द एडिट डिलीट है ना. इफ आई प्रेस दिस न्यू बटन द सेव एंड सेव न्यू एंड कैंसिल दीज आर सम ऑफ द बटन द हु कोडिंग हैज ऑलरेडी बीन रिटन दैट मीन्स दीज आर समथिंग फॉर सी अकाउंट इज अ क्लास case is a class, contact is also a class, every object is also a class, hiring manager is class, position is also a class. So, abhi isko samjho ki if you are considering every object as a class, there is a base class, there is a base class, there is one of the class, one of the parent class, one of the base class, bolo aap usko, or you can call this as to be a parent class, there is a class, there is a parent class, theek hai. जहां पे ये सारी फंक्शनैलिटी जो हम देखा अभी जितने भी बटन्स के सेव की फंक्शनैलिटी हैज बीन यूज्ड उससे रिलेटेड जो भी से इफ यू प्रेस द सेव बटन तो इससे रिलेटेड जो भी इसका मेथड है दैट मेथड हैज ऑलरेडी बीन रिटन ओवर हियर. इसका भी मेथड यहीं पर मौजूद है, कैंसिल का भी मेथड यहीं पर मौजूद है, और उसके अलावा फिर जो आपके यू नो उसके अलावा फिर आपके लाइक जो आपका न्यू बटन है तो न्यू बटन का फंक्शनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है. एंड देन यू नो द बटन्स लाइक योर एडिट एंड डिलीट ऑल तो ये सारी चीजें यहाँ इस बेस क्लास में पहले से मौजूद. सो ऑल ऑफ द क्लासेस ऑल ऑफ द अदर क्लासेस दूसरी जितनी भी हमारी क्लास है जैसे एक अकाउंट की क्लास अकाउंट है कॉन्टैक्ट है अपॉर्चुनिटी या फिर एनी योर कस्टम ऑब्जेक्ट दे एक्चुअली गेट दिस यू नो दे एक्चुअली द बेटर वर्ड इज द प्रॉपर वर्ड इज इनहेरिट दे एक्चुअली इनहेरिट दिस फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस क्लास दे एक्चुअली इनहेरिट दिस फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस क्लास. So whenever if I am developing any of my Visual Force page, okay, and for example I am working on some of the account object pe ke liye main kuch kaam kar raha hu, aur I am working some modules I am displaying on the contact, I am displaying some modules from the position object, I am displaying something from the hiring manager. So agar if at all I constructed my personal Visual Force page to display any of the entity from these classes from these object, I could also take this benefit. I could also take this benefit. So if I inherit account over here, then whole account class with the complete functionality of the account that includes account plus ye base class. Ye pura aapko yahan pe mil jata hai. This is something called as inheritance. And this is something called as inheritance. So jab bhi aap koi aisi standard functionalities, kisi bhi standard object ka, when you wanted to have any such kind of standard functionality onto your Visual Force page, आपका जो business module है Visual Force page पे, if you wanted to have any standard functionality, तो आपको अलग से लिखनी नहीं. That means if you are you know you are creating these functions, edit, delete, button, आप save, next, save and new, ठीक है. अगर आप ये सारे buttons डाल रहे हो, example मैं डाला भी आई थी, few of the buttons I have. Save, cancel, delete. I was telling you last time कि देखो ये these functions are these buttons although I have created them but then these functions are not function these buttons are not in a functional state because it wanted to have a logic that logic is not written. जब मैं if I am pressing save button nothing is happening. If I am pressing cancel button nothing is happening. If I am press delete button nothing is happening. Why nothing is happening? Because the kind of logic, ये तो मेरा front end part हो गया ना, but इसके पीछे इस button को click करने के बाद जो code run होना चाहिए वो कहाँ जाएगा? अभी because you haven't created that, और वही तो हमको create करना है.
वी वॉन्टेड टू राइट डाउन द बिजनेस लॉजिक फॉर दिस दिस फ्रंट एंड पार्ट. इस फ्रंट एंड के लिए हमें बिजनेस लॉजिक लिखना है, वो वी ऑलवेज राइट इट इन टू द कंट्रोलर्स, वो हमेशा हम कंट्रोलर्स में लिखते. तो कंट्रोलर हमारे तीन तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम एंड एक्सटेंशन. सो वेन एवर यू जस्ट वॉन्टेड टू हैव एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, वेन एवर यू वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, जैसे ये जो बटन्स की फंक्शनैलिटी है, अगर ना इफ यू हैव क्रिएटेड अ बटन्स ऑन टू योर विजुअल फोर्स पेज, यू हैव सम बटन लाइक सेव, न्यू, डिलीट, कैंसिल, एडिट, और ये अभी फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसके पीछे का कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन जरूरत भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि द कोड फॉर दिस सेव एंड एवरीथिंग दिस हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, हमको बस उसे ना इनहेरिट करके लाना. जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपेक्स जो है ना, अपेक्स एक तो ये कि ओवरऑल सेल्सफोर्स में कोडिंग एफर्ट 50% है, 50% नॉन कोडिंग है, हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं वहां से. अब जब हम कोडिंग पर भी आ चुके हैं तो इट्स नॉट लाइक कि 100% वी रिक्वायर टू कोड, यू नो इट्स नॉट लाइक कि 100% वी रिक्वायर टू कोड ओवर. तो उसमें भी आपको काफी सारी चीजें जो है ना दे हैपन है कि ये रेडीमेड मॉड्यूल अवेलेबल है. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट, हाउ वी कैन इनहेरिट द फंक्शनैलिटीज फ्रॉम द योर स्टैंडर्ड क्लासेस, उसको कैसे लेके आए. तो हमें एक्चुअली सेव बटन की फंक्शनैलिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. और अगर आप ये चीज डॉट नेट में या फिर जावा पे बनाते हो ना, तो फॉर एवरी थिंग वॉट यू क्रिएटेड यू राइट डाउन, यू एक्चुअली रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द कोड इन बैक एंड. बट सेल्सफोर्स के साथ में, विजुअल फोर्स के साथ में पर्टिकुलरली, ये बहुत अच्छी बात है. ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर दैट, उनका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट रिक्वायर टू इनहेरिट देम, उनको अपने तक खींच के लाना है. तो दिस कैन बी डन विद द स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स, यू नो दिस कैन बी डन विद द स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स. तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी जो कि पहले से बनाई हुई है, उसको आपके आपके जो मॉड्यूल जो आपने बनाया था, पेज व्हाट यू क्रिएटेड, तो उसके बैकएंड पे वो फंक्शनैलिटी को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है. कि सेव बटन के लिए जो भी क्लास है और जो उसका मेथड है, वी डोंट रिक्वायर टू राइट डाउन द कोड फॉर दिस. कैंसिल बटन और ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड बटन जो पहले से किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने देख रखा, उसका सारा बिजनेस लॉजिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. ये चीजें ना बेसिकली अभी अपन सीखने वाले हैं विद द स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स, ठीक है. तो पहले हम स्टैंडर्ड पे चलेंगे, फिर हम चलेंगे कस्टम पे. कस्टम जहां पे हम अपनी ओन फंक्शनैलिटी बनाते हैं, जहां हम स्टैंडर्ड नहीं, जहां हमें अपनी खुद की फंक्शनैलिटी चाहिए, हमें अपनी खुद की फंक्शनैलिटी चाहिए, वहां पर हम कस्टम कंट्रोलर पे जाते हैं. ये भी आऊंगा मैं इस पर. और एक्सटेंशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एज वेल एज कस्टम. यहाँ मुझे स्टैंडर्ड भी चाहिए एज वेल एज आई वॉन्टेड टू हैव सम ऑफ द कस्टम फंक्शनैलिटी, तब हम एक्सटेंशन पे जाते हैं, ठीक है. तो ये धीरे धीरे करके पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बारी बारी करके क्लियर हो जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स. देखो जैसे कि सेव बटन के लिए एक्चुअली सेव नाम की एक मेथड है ऑलरेडी अवेलेबल, कैंसिल बटन की कैंसिल मेथड है, ठीक है, और डिलीट, क्विक सेव, पेजिनेशन के लिए फर्स्ट, नेक्स्ट, ये सब लिंक होती है. ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है ना सेल्सफोर्स ने पहले से इंप्लीमेंट करके रखा है. ये सारी फंक्शनैलिटी पहले से इंप्लीमेंटेड है और ये सारी क्लासेस में. एक्चुअली ये कैसा कंसेप्ट मैं आपको बताया था, अभी डायग्राम जो मैंने बनाया और डायग्राम कैसा था कि अगर जैसे मतलब देयर इज अ बेस क्लास, देयर इज अ बेस क्लास, ठीक है, यहाँ से हमारी जितनी भी क्लासेस, जैसे अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए क्लास है, कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है एंड बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो वो तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं, ये सारी चीजें, ये सारी मेथड्स, मतलब अगर मैं जाऊँ कि ये कितनी फंक्शनैलिटीज हैं, तो सेव, कैंसिल, दूसरा नंबर टू, नंबर थ्री आपकी डिलीट, क्विक सेव, है ना, उसके बाद फर्स्ट, नेक्स्ट, ये सारी फंक्शनैलिटीज जो हैं, दिस फंक्शनैलिटीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड कहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्लास में. दिस इज माई पेरेंट क्लास, ठीक है, दिस इज माई पेरेंट क्लास, डेटाबेस क्लास है ये हमारी. और ये सितनी जितनी भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ अकाउंट इज एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल योर पोजिशन इज एन ऑब्जेक्ट, हायरिंग मैनेजर इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज ना इनसे इनहेरिट होती है. सारे ऑब्जेक्ट्स में, सारी क्लासेस में ये फंक्शनैलिटी यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है. यहाँ पे वो सारे बटन अपने आप मौजूद हैं. आप देखो ना, जब हमने इवन जब वी ऑल्सो क्रिएटेड, हमने भी तो कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे. जैसे हमने बनाया था कैंडिडेट, चलो ठीक है भाई, अकाउंट तो पहले से बना हुआ, लेकिन जब हमने कैंडिडेट बनाया तो ये न्यू बटन थोड़ी ना आपने बनाया था, ये तो अपने आप यहाँ पे इनहेरिट होके आया. अब जब आप इस पेज पे जाते हो, इस ये पर्टिकुलर लेआउट पे जाते हो, एडिट लेआउट या डिटेल लेआउट पे, तो ये जो बटन थे ये आपने थोड़ी ना बनाए थे, ये लेआउट का डिफॉल्ट फीचर है.
तो यहाँ पर ये फॉर्म जनरेट हुआ। हाँ, भले ही आपने फील्ड्स बनाई हो, उसमें भी 5 फील्ड को आपको बनी बनाई मिली थी, आपका नेम, ओनर, आईडी क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाइड का, उसके अलावा जितनी भी फील्ड्स लगी वो आपने बनाई। अब वेन एवर यू फिल्ड अप दिस फॉर्म और आप यहाँ पे सेव करते हो, तो सेव के पीछे की फंक्शनलिटी थोड़ी ना आपने लिखी थी, और आज भी लिखने की जरूरत नहीं है। इवन दो राइट नाउ यू आर डेवलपिंग एक विजुअल फोर्स पेज बना रहे हो आप, यहाँ पे यू आर डेवलपिंग एनी ऑफ द विजुअल फोर्स पेज, आज भी आपको ये बटन, अगर इफ यू हैव क्रिएटेड दीज बटन, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे, आई क्रिएटेड दीज बटन, तो मुझे उसकी फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी है। एक्चुअली इसलिए नहीं लिखनी है क्योंकि दीज फंक्शनैलिटीज हैज ऑलरेडी बीन रिटन, एक क्लास है हमारी वहां से, लेकिन मैं वहां से डायरेक्ट इनहेरिट करके नहीं ला सकता। तो मैं या तो अकाउंट को खींचूंगा, अगर मैं अकाउंट को खींच लूंगा यहाँ पे एज अ कंट्रोलर, अकाउंट खींच लूंगा तो अकाउंट के पेज पे जितनी फंक्शनैलिटी है वो मेरे को मिल जाएगी, या फिर मैं कॉन्टेक्ट को ला सकता हूँ, किसी को भी ला सकते हो आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एज अ कंट्रोलर, एज अ स्टैंडर्ड कंट्रोलर, आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी सारे सारे ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, सारी क्लासेस में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं ला सकते ऑल दो, लेकिन आप यहाँ से यहाँ आ रही है और यहाँ से आप ले सकते हो। तो ये कैसा कि मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो ये चीज विजुअल फोर्स पेज की बड़ी अच्छी है कि द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज दैट ऑलरेडी वी हैव रिटन, वी कैन ऑल्सो, यू नो, वी कैन ऑल्सो ब्रिंग दोज फंक्शनैलिटी ऑन टू आर विजुअल फोर्स पेज इवन विदाउट राइटिंग अ कोड। यहाँ पे आपकी कोडिंग एफर्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिस ओनली वर्क्स विद द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी। अगर कोई कस्टम लॉजिक है तो फिर वो आपको बताना। सो बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड कंट्रोलर वी कैन रेफरेंस ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज ऑन टू आर विजुअल फोर्स पेज, ऑन टू आर विजुअल फोर्स पेज जो कि हमने बनाया है। दैट इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बिजनेस लॉजिक फॉर यू नो फॉर फॉर आर ओन, हम उसको ना इनहेरिट कर सकते हैं, वी कैन इनहेरिट कर सकते हैं, एंड दैट एक्चुअली यू नो दैट एक्चुअली सेव्स द टाइम ऑफ कोडिंग इस तरह से। तो अब आप सीखोगे कि कंट्रोलर्स कैसे लिखना, कंट्रोलर्स कैसे डालना, उसके लिए कीवर्ड होता है स्टैंडर्ड कंट्रोलर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर, और फिर आपको देना पड़ता है अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा कोई भी एक क्लास का नाम। जैसे अगर स्टैंडर्ड कंट्रोलर रखा हूँ तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर ये कीवर्ड है और ये पेज टैग में दिया जाता है, इसी की जाओगे भी आप, पेज टैग में कीवर्ड है स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल्स टू जो भी आपका क्लास है, जैसे अकाउंट क्लास या फिर पोजिशन ऑब्जेक्ट, पोजिशन एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, दैट्स द रीजन पोजिशन अंडरस्कोर सी। ये होगा आपका स्टैंडर्ड कंट्रोलर, कस्टम पे बाद में आता हूँ, पहले एक कोड आपको लिखवा लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा कोड लिखवा लेता हूँ, फिर धीरे धीरे आप उसके आगे बढ़े। चलो, तो कस्टम कंट्रोलर पहले स्टैंडर्ड कंट्रोलर के लिए कोड लिखवा, आई थिंक नीचे हो गए उस केस में, ठीक है, लिखा है कि नहीं, मैं यूज केस देता हूँ उसके लिए, स्टैंडर्ड कंट्रोलर की मैं यूज केस देता हूँ, यूज केस। तो यस सर, डिजाइन है then a visual for space to create new account record inside the account object. So account object के अंदर अगर मुझे एक नया record insert करना है, ठीक है, with my visual for space, भी आप बोलो कि सर ये तो अपन इससे भी कर सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट विजुअल फोर्स पेज से मैं सिखाना चाहता हूँ कि इवन विजुअल फोर्स पेज ऑल्सो हैव द इंट्रैक्शन, अगर आप ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो देयर विल बी टू थिंग्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले वी एफ का जो कोड है मेरा विजुअल फोर्स पेज पे जो कोड लिखूंगा, ठीक है, दैट मीन्स माई फ्रंट एंड, वो यहाँ पे लिखूंगा, और उसके अलावा मेरी कंट्रोलर क्लास, नहीं कंट्रोलर तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर, तो यहाँ पर मैं उसका कोड, चलिए तो हम एक नया विजुअल फोर्स पेज बनाते हैं, है ना, लेट्स क्रिएट अ न्यू विजुअल फोर्स पेज जहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस स्टैंडर्ड पेज, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम ये सारी फील्ड्स ना देते हुए, इफ यू वांटेड, इफ फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रिक्वायरमेंट वेयर वी वांटेड टू ओवरराइट दिस, मैं एक और चीज सिखा दूंगा आपको यहाँ से आज कि ओवरराइडिंग क्या होती है, मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ पर अभी ओवरराइडिंग क्या होती है, बटन ओवरराइडिंग क्या होती है, दो चीजें आज मैं सिखा देता हूँ, ठीक है।
अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वेन एवर समबडी गोज टू द अकाउंट, अकाउंट पे जाने के बाद में इफ यू क्लिक द न्यू बटन, ठीक है, तो मैं ये न्यू बटन को ओवरराइट करूँ। ओवरराइट करने का मतलब होता है कि अभी जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अकाउंट का डिफॉल्ट पेज ओपन होता है ये वाला। बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन आर ओन कस्टम पेज। हम अपना विजुअल फोर्स पेज बनाएंगे। और अब हम एक आपको दो तीन चीजें सिखाने वाला हूँ। पहली बात तो विजुअल फोर्स पेज कैसे बनाना, और जब हम उसमें फील्ड्स में डेटा डाल के सेव करें तो अकाउंट में कैसे आती है, वो सब चीजें। और तीसरी चीज जो आज मैं सिखा दूंगा वो ये हो जाएगा कि व्हेन यू क्लिक दिस न्यू बटन, जब आप ये नया बटन न्यू बटन प्रेस करते हो तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस फॉर्म, ये फॉर्म नहीं ओपन होते हुए, मतलब देखो यहाँ पे इसकी लिंक ऐसी आ रही है बिकॉज दैट इज एक्चुअली योर, ये आपका डिफॉल्ट फॉर्म है ना, तो इसको ओवरराइट करके अपना विजुअल फोर्स पेज कैसे लेके आना, वो आपको वो भी सिखाऊंगा मैं। हाउ टू ओवरराइट दिस बटन है ना, हाउ टू ओवरराइट, मुझे यहाँ पे एक चीज और बतानी, एक चीज और लिखनी कि आफ्टर दिस हाउ टू ओवरराइट द डिफॉल्ट पेज आफ्टर क्लिकिंग न्यू बटन, ठीक है, तो उसको ओवरराइट कैसे करना, हाउ टू ओवरराइट द डिफॉल्ट, हाउ टू ओवरराइट द डिफॉल्ट DFAULT, हाउ टू ओवरराइट द डिफॉल्ट पेज आफ्टर क्लिकिंग द न्यू बटन, ठीक है, ये भी आज मैं कवर करके दे रही हूँ। ओके चलो, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू क्रिएट वन ऑफ माय ओन पेज, तो उसके लिए अपन वही अपनी URL टेक्निक अपनाएंगे। मैं नया पेज बना रहा हूँ तो आई विल राइट डाउन दिस अपेक्स, ये आना पड़ेगा apex/। अब एक कन्वेंशन सीखो, एक कन्वेंशन सीखो, माय अकाउंट इफ इट्स अ विजुअल फोर्स पेज, तो उसके आखिरी में नाम जब भी आप देते हो ना उसको, तो उसके आखिरी में नाम दे दिया करो पेज, और कंट्रोलर के आखिरी में जैसे माय अकाउंट लिखा मैं, तो माय अकाउंट के साथ क्या नाम दे रहा हूँ, पेज। इसका जब मैं अगर कंट्रोलर लिखूंगा, वैसे स्टैंडर्ड ऐसे नहीं लिखूंगा, कस्टम पे लिखूंगा, तो उसको नाम दूंगा माय अकाउंट कंट्रोलर ऐसा, ठीक है। तो ये आप एक नेमिंग कन्वेंशन और सीखो आज आप मेरे से। तो विजुअल फोर्स के आखिरी में हमेशा पेज दे दिया करो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पेज कंपाइलर था, बिकॉज विजुअल फोर्स आर ऑलवेज कंपाइल्ड विद द पेज कंपाइलर, आप एक रनटाइम इंजन नहीं है यहाँ पे, पेज कंपाइलर साथ है। तो पेज कंपाइलर ने जब इसको कंपाइल किया तो उसने बोला कि यार ऐसा कोई तो पेज है ही नहीं, देयर इज नो सच पेज कॉल्ड एज माय अकाउंट पेज, डजंट एग्जिस्ट। लेकिन क्योंकि आपने डेवलपमेंट मोड ऑन रखी हुई है, आपने डेवलपमेंट मोड ऑन रखी है, ये भी आपको सिखाया था मैंने कि डू गो गो विद दिस एडवांस यूजर डिटेल्स, एडवांस यूजर डिटेल्स में जाने के बाद एडिट करो, एडिट करने के बाद में यू विल गॉट दिस ऑप्शन डेवलपमेंट डेवलपमेंट मोड। तो ये अगर आपने ऑन रखी है दिस, यू इफ यू हैव इनेबल्ड दिस फंक्शनैलिटी, तो आपको यहाँ पे ना ये लिख के आता है कि ठीक है नहीं है, मानते हैं आपको, हम वी एक्सेप्ट कि देयर इज नो सच पेज विद द नेम कॉल्ड एज माय अकाउंट पेज, बट देन यू गॉट दिस कि क्रिएट अ पेज विद सेम नेम माय अकाउंट पेज के नाम से आप बनाना चाहते हो क्या, एंड दिस ऑप्शन यू विल ओनली गेट इफ यू हैव ऑन दिस डेवलपमेंट। अगर ये डिसेबल्ड है तो आपके ऑर्ग पे अगर ये ऑप्शन डिसेबल्ड है ना तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर बाय द वे किसी को ऐसा नहीं आ रहा तो समझ लो आपको क्या करना है, यू जस्ट रिक्वायर टू गो टू माय सेटिंग्स, माय सेटिंग्स में जाओ, पर्सनल को एक्सपेंड करो, गो टू एडवांस यूजर डिटेल्स, उस पर एडिट करो, एडिट करने के बाद में ये सेटिंग्स को इनेबल करो डेवलपमेंट। चलो, तो आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ द पेज बिकॉज देयर इज नो सच पेज विद द नेम माय अकाउंट पेज, ऐसा कोई पेज है नहीं, तो आई क्रिएटेड माय ओन पेज, ठीक है, आई क्रिएटेड माय ओन पेज विद द सेम। चलो, सो लेट मी डिलीट दिस डिफॉल्ट कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड लेट मी स्टार्ट राइटिंग माय ओन, ठीक है। ओके चलो, सो अपेक्स पेज, सबसे पहले अब देखो पेज ब्लॉक में पेज टैब पे चलते हैं, यहां पर आई एम आस्किंग, ठीक है, जैसे मैं स्टैंडर्ड टाइप करता हूँ, जैसे मैं स्टैंडर्ड टाइप करता हूँ, अच्छा ये बाद में बताता, चलो रुको, ये बाद में बताता कि वो उसका मैजिक तभी नजर आएगा जब पहले पहले हम फेल होंगे और फिर पास होंगे तभी समझेगा, ठीक है। सो द डिफॉल्ट ऑप्शन जो इसके पहले सीखा मैंने, सेटअप इक्वल्स टू फॉल्स एंड साइड बार है ना, साइड बार इक्वल्स टू क्या देते यार, चलो साइड बार को भी फॉल्स कर दो, साइड बार इक्वल्स टू फॉल्स एंड शो हेडर SHOW, शो चैट नहीं, शो हेडर, शो हेडर इक्वल्स टू ट्रू करते हैं, चलो शो हेडर इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला अपना है ना, और ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर सकता, ये वाला पोर्शन ये चाहिए अपने को ये दिखाना है ना, चलो तो इसलिए शो हेडर इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये तुम अपने से भी करो, प्रैक्टिस करो, और दूसरा ये है कि
लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उस वक्त मैंने हर एक टैग को पकड़ पकड़ के उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, राइट। अब टैब स्टाइल थोड़ा सा रुक के बताता हूँ, पहले इसको इतना ही रखता हूँ, ठीक है। टैब स्टाइल अभी नहीं बताता, इसको थोड़ा सा रुक के समझाता हूँ, चीजें अभी कुछ चीजें थोड़ा सा बात। नाउ दिस, ठीक है, लेट मी सेव अप टू दिस, लेट मी सेव अप टू दिस, तो ऊपर कोड हट गया। चलो अब इसके बाद में, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, अभी आपका हाईलाइटेड टैब कौन सा है? होम, होम, ठीक है। अच्छा देखो, अभी आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप बेसिकली कर क्या रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू डेवलप वन ऑफ द अकाउंट। तो अभी मैं टैब बार पे आता हूँ, टैब स्टाइल क्या होना चाहिए? टैब स्टाइल से मतलब क्या होता है कि वेन एवर दिस पेज इज लोडेड, ये पेज जितनी बार भी आप रिफ्रेश करोगे, वेन एवर दिस पेज इज लोडेड, तो वॉट यू कैन सी ओवर हियर, वॉट यू कैन सी ओवर हियर, कि आपका जो डिफॉल्ट टैब सिलेक्टेड है वो होम है, बट इफ यू वॉन्टेड कि अकाउंट हाईलाइट होना चाहिए, अकाउंट्स का हाईलाइट होना चाहिए, तो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट विथ वन ऑफ द थिंग कॉल्ड एज टैब स्टाइल। टैब स्टाइल में अगर मैं अकाउंट लिखता हूँ, ठीक है, अकाउंट, अकाउंट इज वॉट अ टैब, अकाउंट इज वॉट, अकाउंट इज अ टैब, ठीक है। टैब स्टाइल क्या है? अकाउंट लिखता हूँ मैं, तो नाउ इफ आई सेव दिस, यू नो, नाउ इफ आई सेव दिस, सी व्हाट हैपेंस, लेट मी सेव दिस कोड। आप देखो, आपका इमीडिएटली जो हाईलाइटेड टैब है ना, वो क्या आ गया? अकाउंट। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है आप अकाउंट ही लिखो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ये दिखाना चाहते हो पोजिशन, एनी बी सेव दिस, तो सी क्या होता है। लेकिन अब आप देखो, पहले यहाँ पोजिशन हाईलाइट हो गया, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप जो ये विजुअल फोर्स पेज बना रहे हो, ये बेसिकली क्या करने वाला है? ये विजुअल फोर्स पेज यूजर को अलाउ करेगा कि भैया तू अकाउंट में एक नया रिकॉर्ड स्टोर कर, एक्चुअली वही फंक्शनैलिटी है, बस किसी वजह से मुझे ओवरराइट करना है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर प्रेसिंग दिस न्यू बटन, वी डोंट वॉन्टेड दिस फॉर्म टू बी गेट डिस्प्लेड, कोई वजह है उसकी, कोई तो भी एक वजह है, और जिसके चलते वी डोंट वॉन्टेड यूजर कि वो ये वाला यूजर इंटरफेस को यूज करें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक अपना नया विजुअल फोर्स वेब बना रहे हैं, एक नया यूजर इंटरफेस बना रहे हैं। तो अगर आप अकाउंट एंटर करवा रहे हो, अगर आप अकाउंट एंटर करवा रहे हो, तो फोकस आप पोजीशन पे तो नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप फोकस पोजिशन लिख दोगे टाइप स्टाइल पे, तो फोकस पोजिशन पे दिखेगा, हालांकि आप एंटर क्या कर रहे हो? अकाउंट, तो ये ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटर तो ये है, बेटर तो ये है। और अगर ये नहीं देते हो, अगर ये नहीं देते हो, तो क्या होता है, आपका जो डिफॉल्ट होम, डिफॉल्ट टैब है वो होम टैब रहता है, बस और कुछ नहीं। आपका विजुअल फोर्स पे जब लोड होता है, तो सिलेक्टेड जो टैब नजर आता है वो होम, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना कितना आगे तक दिखाना चाहते हो, कि व्हेनेवर दिस पेज इज लोडेड, दिस माय अकाउंट पेज नाम से ये जो पेज बना है, ये जब भी लोड हो, तो ये टैब बार में अगर कोई टैब हाईलाइटेड करना है, तो उसका नाम दो जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जैसे कैंपेन नहीं है, अगर मैं कैंपेन देता भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, ठीक है। अगर मैं कैंपेन देता भी हूँ, PIGN, एरर आएगा क्या? हाँ, तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैंपेन यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, अगर कैंपेन होता यहाँ पे तो वो हाईलाइट हो जाता था, राइट, ऐसा रहता है। तो ये बेसिकली टैब स्टाइल का कंसेप्ट ये है, आपके ऊपर डिपेंड करता है टैब स्टाइल देना नहीं देना, देना तो किसका देना, बट अगर दे रहे हो तो उसको रेलिवेंट ही रखो, रेलिवेंट रखो उसको। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर रहे हो, उसका नाम दो, अदरवाइज मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये देना कंपलसरी नहीं है बाय द वे, हाँ, ठीक है। चलिए, ये था मेरा पहला पहला टैग अपेक्स पेज। अपेक्स पेज के बाद जो सीनियरिटी में, हायरार्की में जो अगला टैग आता है, वो आता है आपका सेक्शन हेडर, ठीक है, सेक्शन हेडर, ठीक है। अब सेक्शन हेडर मतलब जो हमने इसके पहले बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर, हमने अलग अलग सेक्शन क्रिएट करे थे इस पेज के ऊपर, है ना, ये सारे सेक्शन आपने क्रिएट कर रखे थे, ये वाला सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको जो भी देना है दैट यू कैन गिव ओवर। तो इसमें दो चीजें आती हैं आपका, दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक आता है आपका टाइटल, दूसरा आता है सब टाइटल। छोटा जो है वो टाइटल है, बड़ा जो है वो सब टाइटल, छोटा जो है वो टाइटल है और बड़ा जो है वो सब टाइटल, ये आपका सेक्शन है। अभी फिलहाल मेरा पेज में यहाँ पे देखो आप, ऐसा कोई सेक्शन हेडर दिख नहीं रहा है, तो अब मैं यहाँ पे सेक्शन हेडर फॉर्म करता हूँ, और जैसे ये कोडिंग है, जैसे ये कोडिंग है हमारी सेक्शन हेडर, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। चलिए, सो सेक्शन हेडर, और सेक्शन हेडर के आगे सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमारा टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल, तो टाइटल शुड बी लाइक दिस, अकाउंट एडिट, है ना, चलेगा, अकाउंट एडिट। एंड सब टाइटल शुड बी लाइक न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट। तो इसमें क्या होने वाला पता है आपको, जो अकाउंट
जब आप ले रहे हो तो अकाउंट का ये जो डिफॉल्ट आइकन है ये आ जाता है, या तो ये अभी आएगा और या फिर जब मैं कंट्रोलर दूंगा तब आएगा। चलो मेरे को भी कंफ्यूजन है, देख लेते ठीक है, उसके बाद में मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, आ गया ले लिया उसे ठीक है। तो अकाउंट का जो आइकन रहता है ना वही ले लेता है बाय डिफॉल्ट ठीक है। चलो हो गया, अब ये हो गया मेरा सेक्शन हेडर भी बन के तैयार है। अब सेक्शन हेडर के बाद में अगली चीज जो आती है वो आती है फॉर्म का। ये एक हायरार्की है और मैं चाहता हूँ कि यही हायरार्की आप सभी को याद करना है ठीक है। अपेक्स फॉर्म फॉर्म टैग क्यों नहीं ले रहा है, अपेक्स फॉर्म ठीक है। चलो तो फॉर्म, अब हमने फॉर्म डिजाइन करना है और जो भी हमने करना है बेसिकली एक ही फॉर्म के अंदर करना है, हमेशा ये चीज याद रखो। जो भी कोशिश करो कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो एक ही फॉर्म के अंदर करें। अपने फॉर्म के अंदर में अलग अलग पेज ब्लॉक्स बनाया करो, पेज ब्लॉक उसके अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन वगैरह जो भी बनाना है ठीक है, वो सारी चीजें उसके अंदर बनाना। ओके चलो, तो फॉर्म के अंदर अब मैं ओपन करता हूँ माय अपेक्स पेज ब्लॉक पेज ब्लॉक ठीक है, अपेक्स पेज। अब मैं फॉर्म हमेशा एक ही रखना है, इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी। मैं कुछ दिनों बाद आपको व्यू स्टेट नाम का एक प्रॉब्लम बताऊंगा, व्यू स्टेट में जब हम चलेंगे तब मैं बताऊंगा। तो मैंने पहला पेज ब्लॉक बनाया है, पेज ब्लॉक जिसका कि टाइटल मैं देता हूँ, टाइटल इक्वल्स टू, कभी आपको इंटेलिजेंस मिलता है कभी नहीं मिलता है यहाँ पे, अकाउंट टाइटल इक्वल्स टू अकाउंट एडिट फॉर्म। सी व्हाट हैपेंस एज सून एज आई सेव दिस। तो देखो यहाँ पर एक नया पेज ब्लॉक बनके क्रिएट हो गया है और ये उसका टाइटल भी लग गया है। हमारा एक पेज ब्लॉक बनके तैयार हो गया है, अब इसके अंदर चलना है। तो पेज ब्लॉक के सब कंपोनेंट्स होते हैं दो, या तो पेज ब्लॉक बटन्स और पेज ब्लॉक सेक्शंस, दोनों इसके सब कंपोनेंट है। और आप चाहे तो पहले पेज ब्लॉक बटन लिख लो, या पहले पेज ब्लॉक सेक्शन लिख लो फिर उसके बाद पेज ब्लॉक बटन लिखो, या पहले बटन लिखो और बाद में सेक्शन लिखो, ये चलता है, ये चलता है। आइडियली जब ये हायरार्की हमने देखी, क्योंकि ऐसा बार बार रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी चलो ठीक है बात निकली, थोड़ा बहुत रिवाइज करते जाएंगे, तो हमको एक चीज पता चली कि चाहे आप पेज ब्लॉक बटन्स बोलिए या फिर आप पेज ब्लॉक सेक्शन बोलिए, ये दोनों का एक ही पेरेंट है और वो है पेज ब्लॉक टैग। तो आप चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो उसके बाद में ये लिखो, इसको लिख के ये लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि पेज ब्लॉक बटन्स बोलिए या पेज ब्लॉक सेक्शन बोलिए, दे शुड आइडियली कम इनसाइड पेज ब्लॉक। तो मैं बिल्कुल हायरार्की के हिसाब से, देखो मैंने पेज टैग बनाया, मैंने सेक्शन हेडर बनाया, मैंने फॉर्म खोला, फॉर्म के अंदर पेज ब्लॉक बनाया, अब मैं पेज ब्लॉक के अंदर जा रहा हूँ पेज। तो जैसा क्या होता है, पहली बार जब अपन देखते हैं ना ये सब चीजें तो बहुत टफ लगती है क्योंकि पहली बार है, लेकिन ना धीरे धीरे जैसे आप देखो ना, दो बार तीन बार करते करते अपने आप समझ में आ जाता है ये कि पहले अपने को पेज लिखना है, उसके अंदर सेक्शन लिखना है, उसके अंदर फॉर्म खोलना है। अब फॉर्म के अंदर एक ही फॉर्म रखना है, उसके अंदर सारी चीजें लेनी है, तो पहले ना आप एक ही फॉर्म रखो, लेकिन ना पेज ब्लॉक चाहे जितने बना लिया करो, पेज ब्लॉक चलते हैं, फॉर्म एक ही रखो। उसकी वजह है एक व्यू स्टेट में एक प्रॉब्लम है, इसमें एक एफिशिएंसी को लेके एक इशू आता है, तो वो व्यू स्टेट का इशू मैं बताता हूँ। लेकिन इसलिए आइडियली एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा एक ही फॉर्म रखो। हाँ चलो, तो ये देखो मैं सेम हायरार्की फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। अभी ये कोड बन के तैयार हो जाए तो यहाँ पे वो भी करना है। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बैच को पोस्टपोन, सभी क्लास लंबी चलेगी ना, एक सेकेंड। हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है चलो। तो सबसे पहले पेज हो गया, उसके बाद सेक्शन हेडर हो गया, फिर मैंने फॉर्म खोला,
फॉर्म के अंदर फिर एक पेज ब्लॉक बनाया, ठीक है, एक ही पेज ब्लॉक लग रहा है अभी हमको, ज्यादा नहीं लग रहा है। अब मैं इसके अंदर ना बटन फॉर्म कर, तो इसके नीचे जाता हूँ, इसके नीचे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपेक्स, अपेक्स के बाद क्या बटन, तो बटन को लिखते हैं हम लोग पेज ब्लॉक बटन, ठीक है, पेज ब्लॉक बटन ये ले लिया, तो पेज ब्लॉक बटन और ठीक है पेज ब्लॉक बटन। अब दो लोकेशन नहीं आ रही, ठीक है, लोकेशन कहाँ चाहिए आपको ये बटन जो अभी आप बना रहे हो? ये मुझे बहुत मतलब दोनों जगह चाहिए, फॉर्म के ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। चलो कौन कौन से बटन चाहिए अब लिखो यहाँ पे, तो वो बटन के अंदर लिखो क्या कौन कौन से बटन चाहिए, तो बटन चाहिए मुझे अपेक्स, अपेक्स कमांड, कमांड बटन, लिंक नहीं चाहिए बटन चाहिए, कमांड बटन जिसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू है सेव, वैल्यू है सेव, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देना पड़ता है एक्शन, यहां पे देना पड़ता है एक्शन, उसके पहले एक चीज इसको मुझे सेव कर दो, अब मैं नया कंसेप्ट, देखो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हुआ है सेव। अब क्या होगा बेसिकली आप अभी जब इसको प्रेस कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ना फॉर्म्स, अभी ये फॉर्म पूरा ये पेज को मैं कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे मैं बहुत सारी फील्ड्स लिखने वाला हूँ, नेम है ना, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स लिखने वाला हूँ, तो ये सारा फॉर्म डेटा बनेगा, थोड़ा समझो अभी इसको विजुलाइज करो। और उसके बाद जब मैं ये बटन हिट करूंगा ना, तो मैं चाहूंगा कि ये सारी फॉर्म्स की जो फील्ड है ना वो सेव हो जाए उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसको लॉजिक देना है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि सेव एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि स्टैंडर्ड है, अगर कोई फॉर्म बनता है, अगर ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, इसमें आप जो भी फिल करके आप सेव बटन दे रहे हो तो इसका डेटा सेव हो जाता है। अब ये फंक्शनैलिटी पहले से बनाई हुई है, आपने यही बटन, आपने ये बटन जो है वो आपने अपने विजुअल फोर्स पेज पे क्रिएट किया, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि ये पहले से लिखी हुई है। तो क्या करना चाहिए, तो उसको इनको आपने अपने पेज तक लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखो मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस ला रहा हूँ, अब मैं वापस चलता हूँ अपने पेज वाले टैग पर, और यहाँ पर अब मैं इसको बोलता हूँ मुझे कंट्रोलर यानी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंट्रोलर, तो आप स्टैंडर्ड कंट्रोलर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट, अकाउंट, अब मैं यहाँ, अब मैं सेव कर, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी चाहिए, कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में जो भी सेव बटन, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज आई हुई है वो सारी मुझे इस विजुअल फोर्स पे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिमांड की एक कंट्रोलर की, पर्टिकुलरली कौन से कंट्रोलर की, स्टैंडर्ड कंट्रोलर जिसका टाइप है अकाउंट, जिसकी क्लास है अकाउंट, जिसकी क्लास है अकाउंट, बिकॉज ये क्लास पहले से लिखी जा चुकी है ORM से, आपने यही तो जाना कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास भी है, तो ये जो फंक्शनैलिटी वो पहले से लिखी हुई है, कौन सी क्लास में, अकाउंट क्लास के अंदर वो फंक्शनैलिटी पहले से मौजूद है, मुझे उसको इनहेरिट करके लाना है, मेरे मेरे विजुअल फोर्स पेज तक लाना है। यहां मैंने लिख दिया अकाउंट, क्योंकि सारी बातें अकाउंट की चल रही है ऐसा, इसलिए ठीक है, सारी बातें अकाउंट की चल रही है इसलिए। चलो तो ये हो गया, अब जब ये सेव बटन प्रेस होगा, सेव बटन जब प्रेस होगा, ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्शन, तो क्या होगा, इसके पहले एक्शन नहीं लिखा था मैंने, आज लिखा, तो यहाँ पे मुझे एक स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी चाहिए, कौन सी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी चाहिए, उसका नाम है सेव क्लास। ये फॉर्मेट याद आया किसी को, ये काय का फॉर्मेट है बताओ जरा, ये फॉर्मेट कहाँ लिखा है इसके पहले, तुम याद आया कुछ, याद आया ये फॉर्मेट कहाँ लिखा था, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन मार्क, कहाँ लिखा था ये फॉर्मेट? हाँ भाई चेतन, हर जोशना, प्रज्वल, किरण, सोहेल, कहाँ लिखा था ये फॉर्मेट, कुछ याद आया क्या? ये फॉर्मेट है मर्ज फील्ड्स का, जब आपने ईमेल टेम्पलेट्स बनाई थी तब ये फॉर्मेट यूज किया था, भूल गए आप लोग, सेव। चलो कैसा है, सेव क्लास पे, सेव एक फंक्शनैलिटी पहले से लिखी जा चुकी है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड अ सेव मेथड, मुझे ये वाली मेथड लेके आनी है, कैंसिल के लिए कैंसिल मेथड है, डिलीट के लिए डिलीट मेथड पहले से बनी हुई है, ठीक है, कौन सी क्लास में से, अकाउंट क्लास में से, वहां से लेके आनी है, तो वो फंक्शनैलिटी का कॉल किया मैंने यहाँ, फंक्शन का नाम दिया है, सेव इज अ नेम ऑफ फंक्शन, तो एवरी डायनामिक एंटिटी, एवरी डायनामिक एंटिटी जब भी आप अपने प्रोग्राम में विजुअल फोर्स में डालोगे तो उसको आपको एनक्लोज करना है मर्ज फील्ड्स के फॉर्म,
यहाँ पर क्या आप क्या बोल रहे हो आप कि जब भी ये बटन ब्लड में सेव इसको, जब भी ये बटन प्रेस होगा, तो अभी फॉर्म नहीं बनाया मैंने इसलिए एरर दे देगा, इसलिए प्रेस नहीं करो। जब भी ये बटन प्रेस होगा तो यहाँ फॉर्म पे जितनी भी एंटिटीज है वो सेव होंगी, ठीक है, वो एंटिटीज आपकी सेव हो जाएंगी। चलो देखते हैं। एंड द नेक्स्ट अपेक्स कमांड बटन, कमांड बटन, ठीक है, वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज, एक और चीज है वहां पे सेव एंड न्यू, सेव एंड न्यू वैल्यू, उसके लिए जो एक्शन देनी है, एक्शन विल बी, उसकी एक्शन अलग है, मैं अभी फिर से सेव ही दे देता हूँ, चलो एक्शन विल बी अगेन सेव, तो आप सेव दो या सेव एंड न्यू दो, दोनों एक्चुअली उसकी फंक्शनलिटी अलग है, लेकिन मैं सेव ही दे रहा हूँ उसको, ठीक है, सेव भी दे रहा हूँ उसको। चलो तो एक बटन और प्रेस, एक बटन और दिखेगा, सेव सेव एंड न्यू, उसके बाद में कैंसिल भी एक बटन है, कैंसिल इफ यू वांटेड टू इंप्लीमेंट यू कैन इंप्लीमेंट दैट आल्सो, के अपेक्स कमांड बटन, ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू कैंसिल, ठीक है, एंड देन वैल्यू इक्वल्स टू कैंसिल एक्शन, कभी कभी यहाँ पे हेल्प आती है कभी नहीं आती है, तो यू शुड इवन अवेयर ऑफ, टाइपिंग भी आनी चाहिए कैंसिल, ठीक है, तो ये तीन बटन और उसके साथ में उसकी एक्शन जो है वो बन के तैयार हो गई है, राइट। चलो इसके बाद में ये इतना ही चाहिए मुझे, पेज ब्लॉक बटन यहाँ पे क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो जाए, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ नाउ लेट मी गो विद अनदर सेक्शन, इसी पेज ब्लॉक के अंदर, पेज ब्लॉक के अंदर ही मतलब इसके अंदर ही, अब मैं नया सेक्शन होगा इसके अंदर ही, नया सेक्शन मतलब ये एक सेक्शन हो गया मेरा इसके अंदर, ठीक है, लेट मी कैन एंटर, ये एक सेक्शन आपने बनाया पेज ब्लॉक के अंदर, अब एक और बना रहे हैं, ठीक है, तो पहला तो हमारा पेज ब्लॉक बटन्स था, अब मैं बना रहा हूँ सेक्शन, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, अब जो मैंने क्रिएट किया वो सेक्शन है, इसके पहले जो क्रिएट किया था मैंने वो था हमारा बटन वाला, इसको देते हैं हम टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू एग्जाम्पल अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाँ कितने कॉलम चाहिए आपको, सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम, सी ओ एल यू एम एन एस, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत होगी तो एरर भी आएगा, आई वांटेड टू हैव टू कॉलम, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितने कॉलम चाहिए, आप तीन कॉलम चाहे तीन लिख लो, चार चाहे चार लिख लो, जितने आपके पेज पे फिट बैठते हैं उतने, ठीक है, जो स्टैंडर्ड में ड्रॉबैक है वो यही है कि आप फील्ड्स को मैक्सिमम दो कॉलम्स में लगा सकते हो, यहाँ पर आप चाहे तो तीन कॉलम भी दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, मैं दो ही कॉलम रख रहा हूँ उसको, थोड़ा सा बेटर ना दिख, उसके बाद में, इसके बाद में कोलैप्सिबल, सी ओ डबल एल ए पी एल पी एस आई बी एल ई, कोलैप्सिबल, देखते हैं अगर स्पेलिंग गलत होगी तो फिर शायद मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, ट्रू, ठीक है, लेट मी सेव दिस, गलत है क्या, सही है, सही है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक नया सेक्शन बनके क्रिएट हो गया, एंड इफ यू वांटेड टू चेंज द कलर तो आपको थोड़ा बहुत एचटीएमएल आना चाहिए, वो एचटीएमएल आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो ये कलर चेंज कर सकते हो, और ये कोलैप्सिबल भी है, अभी कोलैप्सिबल कैसे है अभी मैं थोड़ा सा कुछ एंटिटीज क्रिएट करता हूँ फिर बताता हूँ कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है, तो मैंने एक नया सेक्शन जो है एक पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक के अंदर, पेज ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये मेरा पेज ब्लॉक है, पेज ब्लॉक के अंदर मैंने क्या क्रिएट किया, सबसे पहले बटन क्रिएट कर डाले और अब मैं उसी के अंदर सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो याद रखिए पेज ब्लॉक बटन और पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक बटन और पेज ब्लॉक सेक्शन दे आर द चाइल्ड कंपोनेंट टू पेज ब्लॉक, आप इसको पेज ब्लॉक के बाहर नहीं लिख सकते, अगर आपको पेज ब्लॉक बटन यूज करने हैं या फिर सेक्शन यूज करना है तो आपको एक पेज ब्लॉक बनाना पड़ेगा और ये दो कंपोनेंट हमेशा उसके अंदर रहेंगे चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है, चलो जैसे कमांड बटन या कमांड लिंक ये पेज ब्लॉक बटन के चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, तो ये इस तरह से हायरार्की है, बस टैग की हायरार्की फॉलो करो चीजें अपने आप बनती जाती है, हायरार्की को गलत मत करो, ठीक है, अब पेज ब्लॉक सेक्शन के अंदर आता हूँ, पेज ब्लॉक सेक्शन के अंदर जो है इस तरह की फील्ड्स हमने क्रिएट करनी है जहाँ पे हम इनपुट टाइप कर सकें और वो सेव हो सके, ठीक है, तो इसको इनपुट फील्ड इसके लिए एक नया टैब है, आज ये नया टैब आपको पता चलने वाला है, उसके लिए मैं एक नया टैब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो है अपेक्स, अपेक्स के साथ में अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे
इनपुट फील्ड अपेक्स, इनपुट इनपुट फाइल, इनपुट फील्ड, ठीक है, अपेक्स इनपुट फील्ड, इसकी वैल्यू है, वैल्यू जो लेगा ये, इट्स गोइंग टू टेक दिस वैल्यू फ्रॉम अगेन मर्ज फील्ड, इट विल सिंगल ब्रैकेट कॉमा के अंदर रहेगा, अपना एरर देगा, अकाउंट, अकाउंट इज द नेम ऑफ क्लास, उसमें से नेम, अकाउंट इज द नेम ऑफ क्लास, अकाउंट इज द नेम ऑफ क्लास, अकाउंट क्लास का नेम, ठीक है, सेव करके देखा हूँ, सही है क्या मेरा, हाँ सही है, ठीक है, और क्या क्या चाहिए मुझे, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम में फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू हैव, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू हैव रेटिंग, ठीक है, रेटिंग, तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जैसे कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद चौथा कॉलम, चौथे कॉलम में जैसे कि एनुअल रेवेन्यू, एनुअल आर ई वी ई एन यू ई, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू, पांचवा कॉलम, पांचवा कॉलम में जैसे कि टाइप, 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 ठीक है, उसके बाद में और लेना है, चलो और ले लेते, और जैसे कि और टाइप के बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में ओनरशिप, हाँ ओनरशिप, ओनरशिप प्राइवेट पब्लिक रहता है ना, ओनरशिप, ठीक है, और कुछ ऑनरशिप के बाद में, और जैसे कि साइट, वेबसाइट, हाँ वेबसाइट भी तो होता है यार, वेबसाइट, ठीक है, चलता है इतना काफी है, एक और साइट याद आया था ना, साइट, साइट, ठीक है, इतना काफी है, लेट मी सेव दिस, पहले इसको सेव कर, हाँ देखो अभी ये बेसिकली ये इस तरह का फॉर्म हमारा बनके तैयार हो चुका है, ठीक है, इस तरह का जो हमारा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, तो ये एक फॉर्म हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी देखो बेसिकली यहाँ पर एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी कि दीज आर द फील्ड्स है ना, यहाँ पे मुझे ये इनके लेबल्स देने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए नहीं पड़े कि व्हेन आई एक्चुअली आस्क, जब मैंने इसकी वैल्यू, जब मैंने मांगा कि अकाउंट की नेम, अकाउंट की नेम फील्ड को लेके आओ, तो अकाउंट की नेम फील्ड जब आई ना, तो उसका लेबल अलॉन्ग विद द डेटा टाइप एंड प्रॉपर्टी एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, ये भी एक फायदा है। अच्छा इंडस्ट्री, अब जब इंडस्ट्री आपने बुलाया, अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट नहीं, अकाउंट क्लास, अभी ओ आर एम पे अपन, अकाउंट क्लास की इंडस्ट्री फील्ड जब आपने बुलाई, तो इंडस्ट्री फील्ड जब आई ना, तो अपने लेबल के साथ और अपनी सारी वैल्यूज के साथ आई, अगर इंडस्ट्री फील्ड वहां पर एक पिक लिस्ट है विद ऑल दीज वैल्यूज, तो यहाँ पर भी वो वही रहेगा। अब ये वैल्यूज हमने दी क्या, नहीं दी, ये कैसे आ गई, यही तो इनहेरिटेंस है, यही तो इनहेरिटेंस है कि भाई अकाउंट नाम की एक स्टैंडर्ड क्लास है, हमने हमारे विजुअल फर्स्ट पेज में उसको कॉल किया, ये हो गया आपका मर्ज फील्ड का फॉर्मेट, कौन सी क्लास, एक स्टैंडर्ड क्लास आपने बुलवाई है अकाउंट नाम की, तो अब अकाउंट नाम की इस क्लास के जितनी भी फंक्शनैलिटीज है उसके अंदर में, वो सारी आप इनहेरिट कर सकते हो। तो आपने क्या क्या इनहेरिट करे, हमने कुछ फील्ड्स को इनहेरिट करे, कुछ मेंबर्स को इनहेरिट किया, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री, तो भाई इनके जो डेटा टाइप है, जो इनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, वो सारी यहां पर आएंगी, आप सारी यहां पर आएंगे। तो अगर इंडस्ट्री एक पिक लिस्ट है, तो वो अपनी पिक लिस्ट की जितनी वैल्यूज है सबके साथ आएगा, अगर ओनरशिप एक पिक लिस्ट है तो वो अपनी पूरी वैल्यूज के साथ आएगी, रेटिंग अगर एक पिक लिस्ट है तो अपनी सारी वैल्यूज, और ये है बेनिफिट विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग का। अभी कैसा है, समझने की बात है, समझने की बात है, प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं है, आप पहली बार देखते हो तो थोड़ा सा टफ जरूर महसूस होगा, लेकिन लॉजिकली आप अगर सोचो ना, आपने सेव बटन, सेव न्यू यहाँ पर जितने भी मारे, अभी मैं पूरा क्लोज करता हूँ उसको कोड को, और फिर हम जब बात करेंगे कि हम यहाँ फॉर्म फिल करके जैसे सेव बटन प्रेस करेंगे, एक एंटिटी हम लोग, हम देखेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, जबकि अपन ने सेव का, कैंसिल का कोड ही नहीं लिखा, अपने इतनी सारी फील्ड्स क्रिएट करी, लेकिन इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं, इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं, या फिर इनके डेटा टाइप है कि जैसे वेबसाइट का डेटा टाइप जो है वो यूआरएल है, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू का डेटा टाइप है करेंसी अंदर में, ठीक है, अकाउंट साइड का डेटा टाइप है आपकी वो टेक्स्ट फील्ड, जो भी है वो डेटा टाइप भी इनहेरिट हो गया, वो पूरी पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ गई है। अब अगर आप टेक्निकली सोचो ना, तो ये इतना टफ नहीं है,
ये बेसिकली इतना टफ नहीं है। हम अगर ये फॉर्मेट फॉर्मेट थोड़ा सा भूल पाए ना, मतलब ये चक्कर थोड़ा सा भूल पाए, तो ये लॉजिकली टफ नहीं है प्रोग्रामिंग एक्चुअली। चाहे आप अपेक्स पे जाओ या आप विजुअल फोर्स पे जाओ, जहां तक हो सके ना आपका कोड जो है ना काफी हद तक रेडीमेड है, काफी हद तक आपका कोड ना रेडीमेड है, आपको ना समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ ये अच्छा, ये एक काम करते हैं ना, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में इतने फील्ड डाल दिया है, ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन, अभी एक सेक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नाम से, वो सेक्शन बनाया। अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन है ना, फिर एक और सेक्शन बना के थोड़ी सी फील्ड और डालता हूँ। कुछ और सेक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं ना इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे एक और पेज ब्लॉक, चलो सेक्शन और थोड़ी सी फील्ड और रहेंगी तो अच्छा लगेगा। अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन मेरा देखो, एक सेक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है ये वाला, इसका टाइटल था अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ना, आई एम क्रिएटिंग वन मोर सेक्शन, यहीं से प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे करने में कुछ नहीं, कॉपी करो पेस्ट करो खुश रहो। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ, नहीं ऑफ ऑफ नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ अकाउंट वकाउंट जो भी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सेक्शन, अभी इसके अंदर भी मेरे को फील्ड चाहिए कुछ फील्ड, तो अकाउंट से इनहेरिट करके लाऊंगा, अकाउंट की बात चले तो अकाउंट से ही लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा जैसे कि कॉन्टैक्ट में अपन कौन सी यूज करते थे, फोन, ठीक है, वेबसाइट को भी यही लेते हैं, वेबसाइट कॉन्टैक्ट में आता है ना, वेबसाइट को यहाँ से हटा दे, फोन फैक्स वगैरह है ना, तो फोन हो गया, उसके बाद में फैक्स है और आपका ये वेबसाइट है ना, ये तीन चीजें यहाँ पे डाल देते हैं, फोन फैक्स वगैरह, इसको भी मैं सेव करूँ। तो अभी देखो आपका एक और सेक्शन क्रिएट हो गया। अच्छा अब देख लो कोलैप्सिबल का मतलब क्या होता है, ये होता है कोलैप्सिबल का मतलब, ठीक है, तो ये आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो कोलैप्सिबल, तो फोन फैक्स और कुछ रहता है क्या अकाउंट में, फोन फैक्स वेबसाइट तीन है ना, बस इतना ही रहता है शायद, और कुछ चीज है क्या यहाँ, है तो बहुत सारी फील्ड लेकिन ठीक है, टाइम तो तीन ही रहने दो, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक सेक्शन और क्रिएट करते हैं, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, पेज ब्लॉक आइटम कैसे हो गया, पेज ब्लॉक सेक्शन, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, टाइटल एंड एवरीथिंग यहां से लेके आता हूँ कॉपी करके, इसको नाम देते हैं अपन एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, एड्रेस इंफॉर्मेशन, दो कॉलम, कॉलम अगर आपको बढ़ाने हैं, आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगर आप तीन कॉलम चाहते हो तो ये भी होता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, आप देखो आपकी फील्ड्स तीन कॉलम में आ गई है, बट ये ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरफेस अगर सही लग रहा है तो करो, चलिए ऐसे इंटरफेसेस देखने की किसी की आदत नहीं होती है, लेकिन आप चाहो तो ये चीज आप वहाँ स्टैंडर्ड नेविगेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, या मैक्सिमम टू कॉलम फील्ड कुड बी अरेंज इन टू कॉलम, ये ड्रॉबैक है यहाँ का, एंड दिस कुड बी कॉन रिमूव दिस इन विजुअल फोर्स पेज, यहाँ पे मैं चाहूँ तो तीन कॉलम में फील्ड्स को लगा सकता हूँ, आप देख रहे हो, रहने दो, चलो इस एग्जाम्पल को ऐसे ही रहने दो, भले ही बेडंगा दिख रहा है लेकिन रहने दो, ठीक है, ताकि हमको ये तो पता चले आगे में फ्यूचर में कि हाँ भाई हम चाहें तो फील्ड्स को तीन इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, इंटरफेसेस जब बनाते हो ना तो पिकलिस्ट के नीचे पिकलिस्ट मत रखा करो, कोशिश करो कि ये पिकलिस्ट के नीचे पिकलिस्ट ना आए, रियल टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ये टाइप जो आ रहा है वो इसके नीचे आ रहा है ना, तो रेटिंग के नीचे आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि एनुअल रेवेन्यू और इसको शफल कर देता हूँ, ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, एनुअल रेवेन्यू और शफल करता हूँ, मतलब ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्री के बाद में टाइप लाता हूँ, इंडस्ट्री के बाद में टाइप लेके आता हूँ,
इसको बस करना कुछ नहीं है, इंडस्ट्री के बाद इसको यहाँ ला देता हूँ, और इंडस्ट्री के बाद में टाइप आ जाता है, एक बार सेव करता होता है। हाँ ये टाइप हो गया, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये फिर से मैच हो रहा है। तो एनुअल रेवेन्यू के बाद में अकाउंट साइट ला लेता हूँ, एनुअल रेवेन्यू के बाद में अकाउंट साइट ला लेता हूँ, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू के बाद अकाउंट साइट ला लेता। ये थोड़ा सा मैंने रियल टाइम वाली प्रैक्टिस बताई आपको, कि रियल टाइम पे ना ऐसी होता है, रियल टाइम पे ऐसी होता है। अभी ये थोड़ा सा यूजर इंटरफेस अगर ऐसे बन रहा है, तो कभी भी ना पिकलिस्ट के नीचे पिकलिस्ट मत आने दिया करो। यहाँ पर आ गया, मेरे पास हल नहीं है इसके लिए, तो अभी जहाँ अवॉइड कर सकता था वहां मैंने अवॉइड कर दिया, यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ तो मजबूरन छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अब मैं एक एक दो सेक्शन और बना लेता हूँ, छोटे मोटे सेक्शन, ठीक है। एक 5 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तो दो सेक्शंस तो बना लिए हैं, एक एड्रेस इंफॉर्मेशन सेक्शन, अच्छा नया बनाया, तो इसके अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत फील्ड्स ला लेते हैं। एड्रेस इंफॉर्मेशन सेक्शन में भी मैं ऊपर से उठा के कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। हाँ हमको चाहिए जैसे कि बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग स्ट्रीट, STRET, बिलिंग स्ट्रीट। हाँ यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं रहता ऑब्वियसली, यू हैव सर्टन टाइपिंग एफर्ट समटाइम यू नो फॉर द प्रोग्रामिंग। बिलिंग स्ट्रीट कौन कौन से फील्ड्स रहती है, बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग सिटी, बिलिंग सिटी, बिलिंग सिटी के बाद में क्या है, स्टेट, जिप एंड कंट्री, ठीक है। बिलिंग सिटी, बिलिंग स्ट्रेट एंड देन बिलिंग सिटी, सिटी तो हो गया, बिलिंग सिटी हो गया। सर मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ ये दोनों सेक्शन ला सकता हूँ, शिपिंग स्ट्रीट भी ला सकता हूँ। तो आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर, सेकेंड बिलिंग स्ट्रीट के साथ यहाँ ऐसा करते हैं कि SZWPING, शिपिंग स्ट्रीट, बिलिंग सिटी के साथ नीचे में शिपिंग सिटी, शिपिंग सिटी। उसके बाद में जैसे कि आपका है बिलिंग सिटी स्टेट, हाँ बिलिंग स्टेट, ठीक है, बिलिंग स्टेट, शिपिंग स्टेट ले ले, बिलिंग स्टेट के बाद SHIDWN, शिपिंग स्टेट, सीआरई पहले, बिलिंग सिटी, स्टेट, प्रोविंस, हाँ यार शायद जिप वगैरह बचा है तो वो भी ले लेते। चलो नेक्स्ट विल बी लाइक योर बिलिंग कंट्री, स्टेट के बाद में COU, CO, TRY, बिलिंग कंट्री एंड देन शिपिंग कंट्री, ठीक है, और शिपिंग कंट्री, शिपिंग की स्पेलिंग SHIPPING, शिपिंग कंट्री, जिप वगैरह छोड़, इतना ले लिया मैंने, इतना ले लिया, मतलब हमारे पेज पे क्या क्या आ गया है, बिलिंग कंट्री, शिपिंग कंट्री, ठीक है। दीज आर द सेक्शन, और कुछ अगर बनाना है, एक एडिशनल यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है जिसमें कुछ फील्ड्स है, एक्टिव स्टेटस वगैरह, तो चलो ये भी डिजाइन करना है। इफ यू वॉन्टेड टू मेक इट मोर रेलिवेंट, है ना, इफ यू वॉन्टेड टू मेक इट मोर रेलिवेंट, तो मैं फिर क्या करता हूँ कि एक और अपेक्स, एक और पेज ब्लॉक सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे, अपेक्स पेज, PAG, पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, एक पेज ब्लॉक सेक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ विद सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, यहाँ से उठा लेता हूँ उसको, कॉपी करके यहाँ पे आप कर दीजिए पेस्ट, इसका नाम दीजिए आप एडिशनल, ADDITION, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है। और ये सेक्शन में फील्ड्स लाओ, जैसे कि थोड़ी बहुत फील्ड्स है SLA और एक्टिव स्टेटस वगैरह, वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देनी है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल
पहली वैल्यू दे देता हूँ कस्टमर प्रायोरिटी भी, कस्टमर प्रायोरिटी पी आर आई ओ आर आई टी वाई, और वो रहती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ठीक बिकॉज ये कस्टम वैल्यूज है। हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अपने को, अगर आपको नहीं पता है तो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो गैसिंग करने की जरूरत नहीं बॉस, इधर जाओ ऑब्जेक्ट में जाओ एंड व्यू फील्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, अब कैसे ना मेरे को पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाती है, ऑफकोर्स याद हो जाती है, आप भी समझ सकते हो, है ना। तो कुछ फील्ड्स अकाउंट में देखो, एक्टिव स्टेटस जैसे एक्टिव अंडरस्कोर सी है, कस्टमर प्रायोरिटी अंडरस्कोर सी, ये मैंने जस्ट अभी टाइप किया, एसएलए अंडरस्कोर सी, तो कुछ चीजें ना याद भी हो जाती है। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, तो आप एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम यू कुड कम ओवर हियर एंड देन यू कैन सी क्या भैया कौन कौन सी फील्ड्स है, अकाउंट ऑब्जेक्ट की स्टैंडर्ड कौन सी है, कस्टम कौन सी है ना, ऑफकोर्स। तो यू कैन डेफिनेटली डू इट लाइक दिस ऑल्सो। चलो तो कैसा है, मुझे याद हो गई है इसलिए मैं डायरेक्ट टाइप कर लेता हूँ एक्टिव स्पोर्ट्स सी, बस ठीक है, चलो काफी है, सेव कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है भाई, कस्टमर प्रायोरिटी की स्पेलिंग, कस्टमर प्रायोरिटी की स्पेलिंग सेव हो गया, फॉर्म तो बन गया अपना, फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हमें टेस्टिंग करनी है कि ये जो हमारा फॉर्म है ये तो हमारा एक अलग चीज है। ठीक है, लेट्स गो टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर मैं कोई फॉर्म सेव करता हूँ तो दैट डेटा शुड गो टू देयर। यहाँ पर अब मैं शुरू करता हूँ विजुअल फोर्स टेस्ट अकाउंट नंबर वन। क्या बात है, विजुअल फोर्स से मैं टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ नंबर वन, पुराना डेटा इसने खटक से ले लिया। रेटिंग इज हॉट इंडस्ट्रीज मशीनरी, टाइप इज प्रोस्पेक्ट, एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू 10 लाख 10 लाख 20 लाख, अकाउंट साइट इज माई नागपुर, ओनरशिप इज प्राइवेट, फोन नंबर इज दिस, ठीक है, फैक्स नंबर इज दिस, शिपिंग एड्रेस इज दिस, ले ले यार छोड़ो कोई बात नहीं। कस्टमर प्रायोरिटी इज हाई एंड एक्टिव स्टेटस इज यस, ठीक है। तो क्या है वीएफ टेस्ट अकाउंट नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस, यहाँ पर कोई ऐसा अकाउंट है क्या, वी की लिस्ट में जाता हूँ, नहीं है, है ना, मैं वी की लिस्ट में देख लो आप ब्लैंक है। तो मैंने ये बनाया अपना विजुअल फोर्स पेज, एक कस्टमाइज पेज जिसमें जितनी फील्ड चाहिए थे, जितने सेक्शन चाहिए थे भाई, कितने कॉलम्स चाहिए थे, वो सारी चीजें कस्टमाइजेबल है। आप चाहे तो कलर्स के ऊपर थोड़ा बहुत एचटीएमएल पकड़ के आप ये कलर्स पे भी काम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है यहाँ पे, क्या आपने सारी चीजें इनहेरिट कर ली, सारी चीजें ना आपने इनहेरिट कर ली, टेक्निकली आपने कोड कुछ नहीं लिखा है, आपने कोई कोड नहीं लिखा है, ये सारी चीजें बस कॉपी पेस्ट किया है आपने। आपने सिर्फ ये समझा कि पेज ब्लॉक सेक्शन जो है एंड पेज ब्लॉक कमांड बटन, दीज आर व्हाट, दीज आर द चाइल्ड कंपोनेंट्स ऑफ पेज ब्लॉक, ये अपनी एक हायरार्की है, पहले पेज लिखो, सेक्शन हेडर लिखो, फॉर्म लिखो, फिर पेज लिखो, पीएसएफ बोलते हैं इसको हम लोग, पीएसएफ, पी फॉर पेज, एस फॉर सेक्शन हेडर, एफ फॉर फॉर्म ऑन फी, ठीक है, पीएसएफपी, ये इसका एक ऐसा कॉमन टर्म है, तो आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब ये मेरी अपनी ओन क्रिएशन है, कुछ भी ऐसी उठपटांग हरकतें करता था मैं। पीएसएफपी, पी मतलब पेज, एस मतलब सेक्शन हेडर, एफ मतलब फॉर्म और फिर पेज ब्लॉक, तो मैं अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता था। आप चाहे तो कुछ ऐसा कर सकते हो, चाहे कुछ और कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी हैव बिल्ट अप दिस कोड, लेट मी सेव इट वंस अगेन, यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, लेट मी रिफ्रेश दिस। इस बार मैंने कैश क्लियर करी है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाया है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाने से आपका पेज भी रिफ्रेश होता है और आपकी कैश भी क्लियर हो जाती है। सो वी एफ टेस्ट अकाउंट नंबर वन हॉट इंडस्ट्री इज लाइक दिस वन, ओनरशिप इज दिस, एनुअल रेवेन्यू वैल्यू इज 3 लाख 170,000, 10 लाख, अकाउंट साइट इज नागपुर, दिस इज द फोन नंबर, फैक्स नंबर, दिस इज द फैक्स नंबर, एक्टिव स्टेटस इज यस हाई, ठीक है। वी एफ टेस्ट अकाउंट रिकॉर्ड नंबर वन, लेट मी नाउ सेव दिस वेबसाइट। अच्छा, हमने एक ट्रिगर बना रखा है या वैलिडेशन रूल बना रखा है जिससे ट्रिगर बना रखा है शायद हाँ हमने ट्रिगर बनाया है जिससे हमने वेबसाइट को कंपलसरी कर रखा है। तो यहाँ देखो आप, वो भी ट्रिगर भी लागू हो गया, टेस्ट वी एफ पेज डॉट कॉम, ये ट्रिगर है आपका सेव। ओके, नाउ यू कैन से दिस रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड, ये अब अकाउंट पेज में आ चुका है, एंड इफ यू गो विद दिस लिस्ट, आप यहाँ रिफ्रेश करते हो यू सी दिस। और ये रिकॉर्ड कहां से आया, क्या ये डिफॉल्ट इस वाले पेज से आया है, नहीं नहीं ये कहां से आया है, दिस इज फ्रॉम जो हमने विजुअल फोर्स पेज बनाया उससे आया, ठीक है। अब वहां तक हमें पहुंचना है, ओके वहां तक हमें पहुंचना है, बट मैं अभी आपको टैग नहीं, ये टैब नहीं बताऊंगा, अब मैं दूसरा कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं दूसरा कुछ सिखा रहा हूँ, लेट मी क्लोज दिस थिंग। चलो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया, अरे वो कोड कॉपी कर लेता हूँ, रुको एक मिनट कोड कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कोड कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स गो टू द डेवलप विजुअल फोर्स पेज,
और जो हमने पेज बनाया उसका नाम है माई अकाउंट पेज। कोड कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये कोड है नहीं वहां पे। आज फिर मैं ये फाइल अपडेट कर दूंगा भाई, आज जो आपकी फाइल है, क्योंकि ये कोड नहीं है वहां पे, इसलिए मैं ये फाइल अपडेट कर देता हूँ आज के दिन। वहां लिखा हमने VF कोड, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेव कर लेता हूँ, ये VF पेज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नेविगेशन दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से ओवर राइट करना है। ठीक है, किस तरह से ओवर राइट करना है आपको, तो उसके लिए ऑफकोर्स पॉइंट नंबर वन के लिए यू नीड टू गो टू द सेटअप मेनू। ठीक है, आप सबसे पहले सेटअप मेनू पे जाएं। सेटअप मेनू पे जाने के बाद पॉइंट नंबर टू, ठीक है, सेटअप मेनू पे जाने के बाद में गो टू का बिल्ट एंड देन कस्टमाइज। गो टू बिल्ट एंड कस्टमाइज, सेटअप मेनू पे जाने के बाद में बिल्ड, ठीक है, बिल्ड के अंदर जाने के बाद में कस्टमाइज। ठीक है, और जब आप कस्टमाइज को एक्सपैंड करो, जब आप कस्टमाइज को एक्सपैंड करो बिकॉज आप अकाउंट में ढूंढ रहे हो, तो अकाउंट्स को एक्सपैंड करो। ठीक है, तो कस्टमाइज में जाने के बाद, कस्टमाइज में जाने के बाद एंड देन यू नीड टू गो टू फॉर एग्जाम्पल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट, अकाउंट में जाइए। ठीक है, अकाउंट को एक्सपैंड कर दीजिए एंड आफ्टर एक्सपैंडिंग द अकाउंट, अकाउंट को एक्सपैंड करने के बाद, अकाउंट को एक्सपैंड करने के बाद जहां आपको जाना है वो है अकाउंट को एक्सपैंड करने के बाद में बटन लिंक्स एंड एक्शन। ठीक है, यहां पे क्लिक करो आप बटन लिंक्स एंड एक्शन, बटन लिंक्स एंड एक्शन। ठीक है, यहां जाना है आपको, और यहां जाने के बाद में यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिस किसी बटन को आपने ओवरराइट करना है, जिस किसी बटन को आपने ओवरराइट करना है, तो मुझे कौन से बटन को ओवरराइट करना है, कि अगर कोई न्यू का बटन प्रेस करता है तो पहले बटन ढूंढो न्यू। देखो ये है न्यू, तो मुझे न्यू बटन को ओवरराइट करना है। कि अभी क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट पे जाते हो और आप जब यहाँ पे न्यू बटन प्रेस करते हो, तो भाई ये डिफॉल्ट फॉर्म ओपन होता है, ये इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, भाई ये मुझे चेंज करनी है। ठीक है, दिस आई वॉन्टेड टू चेंज, तो उसके लिए मैं वापस इस सेक्शन पे आया, और क्योंकि अकाउंट के लिए करना है प्रिसाइसली इसलिए अकाउंट ऑब्जेक्ट में हूँ। अगर मुझे केस के लिए करनी है तो मैं केस में जाऊंगा, कॉन्टेक्ट किए तो ये सेम चीज मैं फॉलो करूंगा, बस मैं अकाउंट ओपन करने के बजाय किसको ओपन करूंगा, लीड। और वहां पे भी देख लो आप बटन लिंक्स एंड सेक्शन, अगर आपने ये फंक्शनलिटी कैंपेन में चेंज करनी है तो बटन लिंक्स एंड सेक्शन इनसाइड द कैंपेन। तो ये कैसा ना, दिस इज विद एवरी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ यू वांटेड टू मेक दिस चेंजेस फॉर द कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट को एक्सपैंड करो बटन लिंक्स एंड सेक्शन, एवरी टाइम यू नो, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू से दिस लिंक, तो ये हर जगह अवेलेबल है। चलो भाई वापिस आते हैं। तो अभी कैसा है यार, कि मुझे ना न्यू बटन को ओवरराइट करना है। अभी हो रहा ही है कि मैं अगर न्यू प्रेस करता हूं तो जो न्यू की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, न्यू की जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है स्टैंडर्ड पेज, वो ओपन होता है। आफ्टर प्रेसिंग दिस न्यू बटन, ये स्टैंडर्ड पेज ओपन, ठीक है, आफ्टर प्रेसिंग द न्यू बटन ये स्टैंडर्ड पेज ओपन होता है। ये फंक्शनैलिटी मेरे को ओवरराइट करनी है, किससे ओवरराइट करनी है, अभी अभी मैंने एक विजुअल फोर्स पेज बनाया है उससे ओवरराइट करनी है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई न्यू बटन प्रेस करने के बाद वो वाला फॉर्म जो है स्टैंडर्ड पेज ओपन नहीं हो, मेरा अपना पेज ओपन हो, तो आपने न्यू के सामने एडिट है, एडिट को क्लिक करो। ठीक है, न्यू, उसके बाद में न्यू के बाद में आपने करना क्या है कि यू नीड टू क्लिक ऑन एडिट लिंक, क्लिक ऑन द एडिट लिंक। ठीक है, एडिट लिंक पे क्लिक करो, और फिर एडिट लिंक पे क्लिक करने के बाद, एडिट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अब देना पड़ेगा सेल्सफोर्स क्लासिक ओवरराइड। राइटिंग पर नहीं अपन, इसलिए मैं इसलिए देखो टाइपिंग नहीं करता हूँ, जब पहली बैच के लिए करता था बहुत टाइम लगता था मेरे, बहुत टाइम लगता था। सेल्सफोर्स क्लासिक ओवरराइड यहाँ पे जाना है आपने, एंड जैसे अभी नो ओवरराइड है, नो ओवर राइड को आप विजुअल फोर्स पेज पे लाओ, है ना, सिलेक्ट ओवर राइड एंड सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट विजुअल फोर्स पेज, एंड सिलेक्ट विजुअल फोर्स पेज। ठीक है, तो आपने कौन सा पेज बनाया है, माय अकाउंट पेज, देखो ये आपने पेज बना रखा है, तो वो आपने सिलेक्ट करना है ना, एट द एंड यू नीड टू सेव दिस, है ना, एट द एंड यू नीड टू सेव दिस। सो आफ्टर दिस, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस, द सेकंड व्हाट यू रिक्वायर टू डू आफ्टर डूइंग दिस, यू जस्ट रिक्वायर टू सेव। ठीक है, चलो ये पूरा नोट्स आज मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यू हैव सेव दिस, अब जब न्यू बटन प्रेस होगा
तो वो स्टैंडर्ड पेज लोड नहीं होगा, आपका पेज लोड होगा। चलो ये फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। गो टू द अकाउंट पेज, क्लिक ऑन द न्यू बटन, सस्पेंस, क्लिक ऑन द न्यू बटन, न्यू सस्पेंस क्या होगा अभी। न्यू बटन जैसे ही आपने प्रेस किया, अपेक्स, उधर बाद में देखना, नीचे बाद में देखना, पहले ऊपर देखो, अपेक्स माय अकाउंट पेज। अपेक्स मतलब ही क्या है, आपका विजुअल फोर्स पेज लोड हो गया। ये आपका पेज, ये है आपका बनाया हुआ, सब दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है, सब कुछ है। टैब भी अकाउंट पर आया है, टैब अकाउंट पे आया है। क्यों अकाउंट पे आया है? अरे हमने चलाया ना यार इसको, ऐसा नहीं दिखे तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबाने का, रिफ्रेश करने का पेज को। कभी भी कोडिंग नहीं नजर आए तो घबराने का नहीं ना, आगे कोडिंग ना, वो कैश क्लियर करना पड़ता है और कुछ नहीं। ये अकाउंट पे कैसे आया? टैब स्टाइल, टैब स्टाइल, टैब स्टाइल इक्वल्स टू अकाउंट, उसको कहीं और भी भेज सकते हैं बट रेलिवेंट नहीं लगेगा ना। अकाउंट का पेज है और डिस्प्ले हो रहा है अपॉर्चुनिटी, सामने वाला कंफ्यूज, अरे ये क्या है, तो हिसाब से काम करना। तो ये आज बेसिकली दो चीजें सीखी आपने। सबसे पहला स्टैंडर्ड कंट्रोलर, स्टैंडर्ड कंट्रोलर के बेनिफिट्स क्या है वो देखा। दूसरा बटन्स को कैसे ओवरराइट करना, ठीक है, वो भी आपने देख लिया आज यहाँ। और मैंने सिर्फ न्यू बटन ओवरराइट किया है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एडिट प्रेस करूंगा अभी, तो मैं एडिट की प्रेस करूंगा तो वहां नहीं जाऊंगा, एडिट प्रेस करूंगा तो ये डिफॉल्ट पेज पर ही आने वाला हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एडिट ओवरराइट नहीं करा है, मैंने न्यू बटन ओवरराइट किया है, न्यू बटन, ठीक है। तो अगर मैं ऑल अकाउंट पे जाके भी न्यू बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, न्यू अकाउंट, तब भी मेरा ही विजुअल फोर्स पेज आएगा, तो चाहे न्यू कहीं से भी क्लिक हो जाए, ठीक, तो आपका विजुअल फोर्स पेज होगा। तो ये होता है बटन ओवर राइडिंग, आप अपना बनाया हुआ बिजनेस लॉजिक जो है आपका कस्टम बिजनेस लॉजिक, स्टैंडर्ड बटन के ऊपर कस्टम बिजनेस लॉजिक को कैसे इम्पोज करना, इसे समथिंग कॉल्ड एज तुम्हारा बटन के ओवर राइडिंग। तो ये आज सेकंड टॉपिक आपने ये भी सीखा, ठीक है। चलो आज मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, कल कस्टम कंट्रोल। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन आज नहीं लूंगा।